हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रूबी 9 में। और मैं हूँ HP हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने नए दिन की। और मेरी शुरुआत होती है इनके साथ ही। तो घर का काम कुम करने के बाद निकल पड़े हम अब खेत की ओर। तो चलो चलते फिर। ये देखो भाई, इस किल्टे से डरे जा रहे सब। चल पता नहीं इनको क्या ही दिखा था ये। यहाँ पे हो रही है लड़ाई की तैयारी इसकी, और ये जो है ऊपर छोटे जैसा इसकी। शाबाश। आ जाए नए नए ग्वाले भी साथ में। देखने आपने भी कौन कौन है आज। कि यहाँ पे जिन्होंने लाई है साथ में काफल, यहाँ पे ताई दे मुझ पे, यहाँ पे और छोटे देवारिया। तो जी हम पहुंच गए थे 1 बजे घर। तो चलो चलते अब। अब जा रही हूँ मैं रेस्ट रुस्ट करने के बाद, सोई थी मैं इस टाइम पे 3 बजे। मैं जा रही हूँ पीछे ताई के साथ। ताई ने बोला कि उनका लहसुन है निकालने को, तो चल बोला। तो मैं कहा ठीक है आती हूँ मैं भी। तो स्कूल ले जाती इसमें निकालती, इधर ही मिला मेरे को, ये लाने के लिए बोला था मेरे को। चलो आप भी चलो साथ में, आप भी निकालो। यहाँ पे कौन है? और सबसे बड़ी बात, आज जीनू मेरे साथ नहीं आया था, ना ताऊ के साथ चला गया था पहले ही, तब भी यहाँ पे। ताई ने डाला यहाँ पे मिक्स, जैसे प्याज भी और लहसुन भी, और ये हमारा देसी लहसुन। ताई का निकाल दिया मैंने आधा लहसुन, अब ताई निकालेंगे और मैं ले जाऊंगी अब यहाँ से नानी की गेहूँ। तो मौसम हो गया बहुत ही ज़्यादा ख़राब, और नानी का घर यहाँ से काफ़ी दूर है। और मैंने पिछले ब्लॉग में नीचे वाला गांव दिखाया भी था, और मैंने ये बोला था कि यहाँ पे सेम ही घर है सारे, वहाँ पर मैं नानी का घर। तो ये गेहूँ ले जानी है हमने नीचे ताई के घर में रखनी है, और फिर नानी रोज़ आएंगे, रोज़ ले जाएंगे यहाँ से एक एक बोझा। और यहाँ पर देखो नानी ने लाए थे छोटे छोटे बकरी के बच्चे। क्या हुआ? सेम ही इसकी तरह एक और कार्बन कॉपी। तो ये है मेरी नानी, और यहाँ पे हो रहा है बहुत जाती यार मेरे लिए। जीनू छद्दे ते मुंगे और साथ में यहाँ पे लगा रखे ताई ने अनार के पेड़, और अच्छी खासी स्प्रे नहीं करी है इनमें, देखो कीड़े लग गए इनको। ताई कर रहे अभी इस लहसुन को साफ, इसकी जड़े जुड़े काट के और टब में डाल दिया, और इतना निकला सारा ही, थोड़ा ही था मैंने बोला था। और वहाँ पे देखो डॉन हमारा।
मैंने नानी की गेहूँ घर लाई, उसके बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और बारिश भी लग पड़ी थी उस टाइम पे, और मैं सोने चली गई और मेरी आँख लग गई। मैंने सोचा नहीं था मैं सोऊंगी, बस मैं सोचा था ऐसी लेटी रहूँगी, पर मेरी आँख लग गई और अभी मेरी आँख खुली तो मैं थोड़ी देर में सोच में रह गई, यार मैं तो शाम के टाइम सोई हूँ। फिर मैं उठ गई, सबसे पहले मेरी आँखें मम्मी को ढूंढती है कि मम्मी कहाँ है। मैं सोचा मम्मी गए होने काम करने और मैं यहाँ पे सोई हूँ। उसके बाद देखती हूँ मम्मी भी सोए थे, तो मम्मी ने भेज दिया मेरे को घास लाने, जो कि यहाँ पे हमने इकट्ठा करके रखा है, तो इसको ले जाऊँगी मैं अब घर। और मेरे को बोला दाल दूल रखी, तो मैं कहा ठीक है। और यहाँ पे देखो इसकी सब्जी खाने का मौका ही नहीं मिला, अभी पूरे फूल खिल भी गए, ख़त्म भी हो गई है पूरी। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था छोटा जैसा, उसमें मैंने बताया था कि इसकी सब्जी खाते हैं भाई, इससे खाने से बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है, तो इसे बोलते कराने। घास ना निकल ही नहीं रहा, इतना ज्यादा जोर मांग लिया इस घास ने भी। भाई लगा जोर, जोर लगा के आऊंगा बाहर, ऐसे नहीं। गंदा था और मैंने पूरा बोझ टेढ़ा डाल दिया और सिर्फ इस वाले कंधे पे सारा भार चले गया मेरा। बस ये गिरे ना बस तुम्हें पहुंचा दूंगी इसको जस्ट ऐसे करके घर में। आ पर मेरे बाल में फंस गए यार, कैसे ले जाऊं मैं, खोल नहीं सकती, मेरे से नहीं होती इतनी मेहनत अब कि फिर से पूरा बोझ खोलो तब फिर से डालो रस्सी में। ऐसे चलते नजदीक ये घर यार, गिरने वाला है भगवान, कैसे पहुंचू मैं घर, बैठने को भी नहीं। एक ही कंधे पे गया अब, अब इस वाले का यहाँ देखो एक साइड से ऐसे 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 चलना पड़ रहा है, एक साइड से पूरे पूरी मुड़ गई हूँ मैं कसम, बस बस पहुँचने वाली, पहुँच गई मैं, बस गिरी मत। Thank you.
गया था घास के साथ ही, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मतलब रस्सी के अंदर ही मेरा हाथ था और मैं सीधे ही छोड़ रही थी, मैंने आराम आराम से छोड़ा, नहीं तोड़ना था पीछे घास के साथ लंबी नीचे। तो चलो हो गया टाइम, अब रखते दाल, वैसे भी कहते हैं टाइम हो गया 6:30, रख देते दाल है ना, तो टाइम से जल्दी खाना बन जाए। और वैसे भी गांव में घास को चले गया मुँह में, गांव में वैसे भी जैसे शाम ढलती है अंधेरा हो जाता है, खाना चाहिए तैयार भी, क्योंकि काम करके थक गए होते, तब करके सोची सोना होता है। तो चलो जल्दी जल्दी बनाते अपना खाना, तो खुद के लिए भी सही होता है, फिर रेस्ट करो, हो गया अपना। इस मौसम की वजह से देखो हमें गेहूं पूरी ऊपर लाके रखनी पड़ी है घर में, और यहाँ पे साइड रखी है ताई ने, और देखो यहाँ से निकल जाती है सारी, इतने बड़े बड़े छेद है यहाँ से। और मैंने जला दी आग उग, दाल मैंने रख दी, अब बाद में बनाते चावल चुबल या रोटी मिक्स साथ में। तो फिर निकल गया आज एक और दिन, और आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।